हे गाइज, मेरा नाम देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक देव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे। ओके, तो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, मेरे सिस्टम में यहां पे पेज मेकर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां पे देखिए नाम टाइप कर दिया पेज मेकर। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास यहां पे पेज मेकर सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में पेज मेकर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही जानेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पास यहां पे एडोब पेज मेकर 7.0। अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेटअप के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा सेटअप और इसका यहाँ पे टाइप है एप्लीकेशन, तो आपको इस सेटअप पे डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, यस और नो का, तो आपको यहाँ से यस कर देना है। ओके, तो यस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी इंस्टॉलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एडोब पेज मेकर 7.0 सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दिया नेक्स्ट का बटन, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे US इंग्लिश ही रहने दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद फिर से यहाँ पे जो है US इंग्लिश सेलेक्ट है, इसके बाद मैंने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है क्लिक द टाइप ऑफ सेटअप यू प्रेफर देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना टाइप सेलेक्ट कर, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसमें कस्टम, क्योंकि मुझे इसमें कस्टमाइज करना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप कर ले सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे कम्पैक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कस्टम। इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट, तो यहाँ पे है एडोब पेज मेकर 7.0। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है एडोब टेबल, इसके बाद यहाँ पे कलर लाइब्रेरी। तो आप इस चाहें तो इसमें ट्रिक करके सभी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इन सभी को छोड़ देता हूँ, मुझे बस चाहिए एडोब पेज मेकर 7.0 सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो मैंने इसको किया सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपसे पूछेगा सीरियल नंबर, तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है सीरियल नंबर, तो मैं इस सीरियल नंबर को यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये है सीरियल नंबर इसका, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ से क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से नीचे से नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से यस कर देना है। यहाँ पे कह रहा है कि इज दिस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन करेक्ट, तो आपको यहाँ से इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है प्लीज़ वेट, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये इसकी इंस्टॉलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा एप्लीकेशन है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो मैंने इसको ओके कर दिया यहाँ से, ठीक है। ओके करने के बाद ये कह रहा है कि डिस्प्ले पेज मेकर 7.0 रीडमी फाइल, तो आप यहाँ पे चाहें तो इसकी रीडमी फाइल दे सकते हैं, या तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ट्रिक को हटा दिया। इसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। इसके बाद आपको यहाँ से इसको ये कह रहा है कि यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, तो आपको इसको रीस्टार्ट करना, तो आप यस करके यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको रीस्टार्ट नहीं करना तो आप यहाँ पे नो आई विल रीस्टार्ट माय कंप्यूटर लेटर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इसको रिस्टार्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया नो के ऊपर। इसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो ये सब करने के बाद आपको जाना अपने स्टार्ट मेनू पे। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पेज मेकर, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा एडोब पेज मेकर सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो एडोब पेज मेकर है ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर जो है एडोब पेज मेकर ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ओके, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को
सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बताया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।